दीमा हसल जिला की प्रथम लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल न्यूज बियरर में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य समाचार। 16 हाफलोंग निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रार्थी नंदिता गौड़लसा द्वारा नॉमिनेशन पत्र दाखिल। 16 हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी नंदिता गौड़लसा ने आज दीमा हसल जिला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने के दौरान हजारों के तादाद में बीजेपी समर्थक के अलावा उत्तर कच्छर साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गौड़लसा एवं उनके कैबिनेट सदस्य गण उपस्थित थे। बीजेपी पार्टी नंदिता गौड़लसा ने नॉमिनेशन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिले के लोगों को अपनी कीमती वोट बीजेपी को देने को कहा, ताकि दीमा हसाव जिला और हर वर्ग की लोगों की उन्नयन हो सके, जिसके लिए वे समर्पित है और रहेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचता है कि सबका प्रेयर से अच्छा करेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। थैंक यू। आप लोगों को मतलब इश्यूज क्या होगा दीमा हसाव में? डेवलपमेंटल इश्यूज है और बहुत सारा इश्यूज भी है। आपको पानी का बहुत प्रॉब्लम है, क्या बोलेगा पानी के बारे में? पानी का प्रॉब्लम तो अभी तो सॉल्व होने के लिए कोशिश में है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोगों बहुत सारा इकोलॉजिकली भी एनवायरमेंटली भी देखने के लिए है, वो सब के लिए तो बहुत ही कोशिश रहेगा कैसे करके माइंडसेट थोड़ा चेंज करने के लिए। आप क्या बोलेंगे? चैलेंजेस तो बहुत ही होगा, ये सबको भी मालूम है और देखता है, कोशिश करता है कि कैसे ये चैलेंज को ओवरकम कर सकता है। थैंक यू। आपको मेन कंटेस्टर तो ऑपोजिशन में निर्मल लंकेश है, कितना डिफरेंस हो सकता है? अभी तो बोल नहीं सकता है, टाइम विल से। कुछ होगा आप लोग है? नहीं है तो ऐसे नहीं है, लेकिन अगर एक को बोलेगा तो एक छूट जाएगा हमारा हिसाब से। देन आप लोग थोड़ा पहला भी पूछा है पानी का वाला इश्यू जो मेन अभी प्रॉब्लम पे है, वो तो हम लोग इलेक्शन अभी ये मुद्दा में ऐसे ही भी रखा है, मैनिफेस्टो में भी है उसका। आप लोग जब मैनिफेस्टो निकल जाएगा तो मालूम हो जाएगा। और आप लोगों बहुत ही आप लोग ने मैंने ऐसा पब्लिक के हिसाब से भी है और कोई कोई का बहुत कंसर्न भी है कि हम लोगों ने अभी दीमा हसाव या में है तो सिख शेड्यूल का क्या हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा तो ये सब है, इसलिए हमारे हिसाब में उसमें भी इतना टेंशन लेने का नहीं है। जब पब्लिक का फेथ में है हम लोगों पब्लिक का फेथ में काम करेगा। बेसिकली एक सबका इशू है कि जो आपका HAD मिनिस्ट्री को जो हटाई के सिक्स शेड्यूल देने का बात था उसको लेके भी एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी, उसके लिए क्या बोलेगा? इसमें HAD मिनिस्ट्री को हटा के ऐसे करके नहीं था शायद, वो अब मीडिया में जितना आया वो भी हम लोग देखा है। पर्सनली हम लोग मिनिस्ट्री लेवल में बात के ऐसे तो बात नहीं किया है, इसलिए जब वो बात करेगा तो आप लोग उनको बता। मैनिफेस्टो आप लोग का कब तक रेडी हो जाएगा भाई? मैनिफेस्टो रेडी हो गया है, मैनिफेस्टो कमेटी भी बन गया है, सिर्फ प्रिंट पे है, आ जाएगा एक दो दिन में। और अभी कितना होपफुल है आप? होपफुल तो है, आप लोगों है ना होपफुल तो हम भी। न्यूज बियरर में बने रहने के लिए धन्यवाद और ताज़ा जानकारी के लिए न्यूज बियरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।